अगर आपको भी काले घने लंबे और मजबूत बाल चाहिए तो आज का नुस्खा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस रेमेडी को बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत कम सामान में बन जाएगा। और इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके बाल इतने सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे और बालों का सफ़ेदी भी गायब हो जाएगा लगभग। और फिर इसी के साथ साथ आपके बाल किसी एक्टर से कम नहीं दिखेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो किस तरह से इस रेमेडी को हम बनाएंगे और किस तरह से अपने बालों पर यूज़ करेंगे तो इस वीडियो में पूरी तरीके से देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। ये मानसून क्या है कि हर किसी को बाल गिरने की समस्या स्टार्ट हो गई। तो आप वैसे भी ऐसे नॉर्मल लोगों के बाल गिरते ही हैं। अगर मानसून में आपके बाल गिर रहे हैं, केवल मानसून में, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मानसून में मैक्सिमम लोगों के बाल गिरते ही गिरते हैं। लेकिन अगर आपके बाल मानसून के अलावा एनी टाइम गिरते हैं, गिर ही रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके लिए आपको तो रोकथाम की आवश्यकता है। इसके लिए आज हम उसके लिए उपाय देखेंगे कि हम बालों को गिरने से कैसे रोकेंगे और क्या करेंगे। लेकिन उपाय देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और हमारे बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं रेमेडी कैसे बनाते हैं। तो आज की रेमेडी के लिए हमने लिया हुआ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का अब मैक्सिमम आप लोग चाय बना के यूज़ करते होंगे, लेकिन शायद फ्रेंड्स आपको ये पता नहीं है कि चाय की पत्ती आपके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, आपके स्किन से लेके अपने आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। चाय की पत्ती हमारे बालों का टूटना रोककर बालों को घना, काला और लंबा बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ ये ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप इसका स्क्रब बना के फेस पे लगाते हैं तो आपके फेस की कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आप इसका पानी भी यूज़ करते हैं चाय की पत्ती का, तो भी आपके स्किन से दाग धब्बे खत्म कर देता है। की पत्ती से हमारे रुख और बेजान बालों में चमक आ जाती है, बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, बाल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हम 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती लेंगे। मैंने बड़े टेबल स्पून से लिया है तो 1 टेबल स्पून लेंगे। अगर आपका टेबल स्पून छोटा है तो आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं इसको। और इसी के साथ सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया, सिर्फ 1 रुपए का है ये, और ये बहुत काम करने वाला है आपके बालों के लिए। आप कभी सोच सकते हैं कि 1 रुपए का शैम्पू आपके बालों के लिए इतना काम करेगा। अगर आप डायरेक्टली कोई भी शैम्पू बालों में यूज़ करते हैं तो वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा माइल्ड करके बालों पर अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा काम करता है। की पत्ती में जो कैफीन होता है वो हमारे स्कैल्प के प्रॉब्लम को दूर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सर में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है, खुजली हो जाती है, जूं पड़ जाते हैं, तो इन सब प्रॉब्लम से ये मुक्ति दिलाएगा। तो इसी के साथ हम 1 कप मतलब 1 गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी लेने की आवश्यकता नहीं, 1 गिलास काफ़ी है। अब इसको ले चलेंगे हम बॉयल करेंगे। 5 से 7 मिनट तक मैक्सिमम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल करना है, क्योंकि इसका पानी ही चाहिए हमको, तो इसलिए बॉयल करना बहुत ज़रूरी है इसको। चाय की पत्ती के पानी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, कारण चाय की पत्ती का पानी मतलब चाय की पत्ती हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिश करती है, हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाती है, चमकदार बनाती है। इस रेमेडी का यूज़ मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बाल गिरने की समस्या हर किसी में, मेंस के बाल गिरते जा रहे हैं, तो मेंस के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी कोई भी इस रेमेडी का यूज़ कर सकता है। दोनों के लिए सेम बेनिफिशियल होने वाला है। आजकल समय से पहले बालों का सफ़ेद होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर कम के लोगों के बाल पकने लगे हैं आज के टाइम में। तो ये इसके रेगुलर यूज़ से अगर आप वीक में 2 से 3 बार इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल पकने की समस्या भी रुक जाएगी। हाँ, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो ये, अगर आपके बाल कम एज में पक रहे हैं तो ये इसे रोक देगा और इसे फिक्स कर देगा। तो बस गैस को बंद करिए और इसको ठंडा होने दीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। तो ये एकदम नॉर्मल हो चुका है। अब इसको एक छन्नी की हेल्प से या फिर आप कपड़े की हेल्प से, जैसे भी आपको बेहतर लगे, आप उससे छान के चाय की पत्ती का पानी अलग कर लीजिए। बस मैंने छान लिया चाय की पत्ती, अब पानी और चाय की पत्ती को अलग कर लिया है। अब इसमें मैंने सेकेंड इंग्रेडिएंट जो था क्लिनिक प्लस शैम्पू, अब इसको कट करके शैम्पू को भी इसमें हम अच्छे से डाल देंगे, पूरे शैम्पू को इसमें निकाल देंगे हम। आपने देखा होगा दोस्तों कि हम अगर बालों में मेहंदी लगाते हैं, हेयर कलर लगाते हैं, तो उसमें भी चाय की पत्ती का पानी का यूज़ करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि चाय की पत्ती का पानी कितना ज़्यादा कारगर है बालों के लिए। अगर आप डायरेक्टली केवल शैम्पू का यूज़ करते हैं बालों के लिए तो उतना ज़्यादा कारगर नहीं होता आपके बालों के लिए, उतना काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको इसमें चाय की पत्ती में माइल्ड करके फिर अपने बालों पर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पूरा झाग बनने दीजिए। और हाँ, इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा गीला करते हैं उसके बाद बालों पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आप बालों को थोड़ा सा गीला करके फिर बालों में से डायरेक्टली गिरा के फिर बालों पर अप्लाई करिएगा। आपके बालों को इसको 2 से 3 बार लगाइए हफ्ते में कम से कम, उसके बाद रिजल्ट देखिए। आपको रिजल्ट साफ दिखेगा कि ये कितना ज़्यादा कारगर है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। स्किन के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसमें मैंने शैम्पू डाला है। अगर आपको स्किन के लिए यूज़ करना है तो डायरेक्टली आप चाय की पत्ती का पानी यूज़ कर सकते हैं।
या फिर उसका स्क्रब बना के तैयार करके स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बालों के लिए ऐसे आप इस रेमेडी को आपको बिल्कुल शैम्पू जैसे ही वॉश करना है, हेयर वॉश करके आप हेयर वॉश कर लीजिए, फिर आपके बाल भी सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।